देखो ध्यान दो, हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे ना तीनों टर्म्स किए हैं प्लस, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो कैसे बनेगा, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 3 का और एक्स का, ये किसका स्क्वायर है वाई का, ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ये क्या बन गया बी स्क्वायर, हम क्या बनाएंगे 2 × a × b। यहाँ पे ध्यान दो, ए की जगह क्या था 3x, बी की जगह क्या था वाई, चेक करो क्या ये बन रहा है, 3 × 6 साथ में x साथ में वाई, इसका मतलब जो हमने ये बनाया ये ठीक बनाया, ये क्या बन गया ए स्क्वायर, ये क्या बन गया बी स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 बार। ये हमारा आंसर है। हमें क्या करना है, हमने आरडी शर्मा में सीखा था यहां से यहां जाना, अब हमें क्या करना है यहां से यहां जाना है। समझ में आया कैसे किया, समझ में आया कैसे किया, अब ध्यान दो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, 4y² - 4y + 1, हमें इसे फैक्टराइज करना है। देखो एक टर्म किसकी आ गई माइनस, तो यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे लगेगा, ये किसका स्क्वायर है 2 का और वाई का, ये किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है, साथ में 2 × a × b, चेक करो 2 × 2 = 4 साथ में वाई, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो 2 बार। किस किस को समझ में आया सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट किस किस को समझ में आया, सेकंड पार्ट इसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में दो ही टर्म है, तो यहां पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे लगेगा, ये किसका स्क्वायर है एक्स का, ये किसका स्क्वायर है वाई का और 10 का, तो यहां लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए माइनस बी साथ में ए प्लस बी, बोलो डन। हाँ जी बोलो डन, सभी बच्चे रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके सेंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट, स्टार्ट रिवीजन। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 7, आरडी शर्मा 4.1। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें गिवन है 25y² + 9x² = 181, हमें गिवन है एक्स वाई की वैल्यू -6, और जो हमसे पूछी है ना वो हमसे पूछी है 3x + 5y, कि हमें ये बताओ। तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि जो हमें दिया है और जो हमें पूछा है दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे 3 का स्क्वायर 9 साथ में x², 5 का स्क्वायर 25 साथ में y², मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम 3x + 5y का स्क्वायर करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ से हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आएगा बी स्क्वायर, और फिर हमें मिलेगा 2 × a × b। यहाँ से क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 साथ में x², 5 का स्क्वायर 25 साथ में y² प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, 30xy। अब ध्यान दो, हमें ये भी गिवन है 180, हमें एक्स वाई भी गिवन है -6, दैट्स इट। तो ये हो गया 181 प्लस इनटू माइनस माइनस 36 = 180, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1। इट मीन्स 3x + 5y का स्क्वायर ये कितना आ गया 1, इसका मतलब है 3x + 5y की वैल्यू कितनी रही होगी, या तो +1 या फिर -1। किस किस को थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा, थोड़ा थोड़ा जरा जरा सा पल्ले पड़ा किसी को, बस बेसिक से थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो से दोबारा पढ़ लेना, ना समझ में आया तो फिर पूछ लेना,
ठीक है जी, आगे ध्यान देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, ध्यान दो। 2x+3y, उसकी वैल्यू 8, एक्स वाई की वैल्यू 2, और हमें जो कुछ रखा है 4x² + 9y². अब दोबारा से वो वही बात आ रही है, हमें जो दिया गया है और हमें जो पूछा है दोनों में क्या रिलेशन है। 2 का स्क्वायर 4, साथ में x², 3 का स्क्वायर 9, साथ में y², मतलब हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करना है। हमने क्या किया, 2x+3y = 8 गिवन था, दोनों साइड कर दिया स्क्वायर, तो उससे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a², हमें मिलेगा b², हमें मिलेगा 2 into a into b, और 8 का स्क्वायर हो गया 64, 2 का स्क्वायर 4, साथ में x², 3 का स्क्वायर 9, साथ में y², 2 दूनी 4 और 4 3 12, भाई 12xy = 64। 4 50 अब हमें क्या सही करना है, ध्यान दो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 2। ध्यान दो, एक्स वाई की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 2 24, 24 यहाँ तो प्लस का है, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 64 में से 24 गया, कितना बचेगा, 40। ये हमारा आंसर है। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, किसी को पल्ले पड़ा क्वेश्चन, जरा मरा सा, जरा मरा सा। बस ये ध्यान रखना कि आपको गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, या तो रिलेशन मिलेगा स्क्वायर का या मिलेगा क्यूब का। क्यूब का आएगा 4.3 के बाद। हाँ जी वंदित, प्रवीण, कैंसल 12xy कैसे कैंसिल हुआ? होना हुआ है, वैल्यू मैंने वहां लेके गया हूँ मैं वैल्यू को, एक्स वाई की वैल्यू रखी, दो 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 12 2 24, 24 प्लस का, वहां जाके माइनस का, वहां से आया 40। xy2 मतलब ये तो रखा एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, आपका बुक है ना, अच्छा आपको ध्यान दो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है 3x - 7y = 10, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है -1, जो हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है 9x² + 49y². अब ध्यान दो, दोबारा से वही चीज आ रही है, क्या आ रही है, ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 3x - 7y जो हमें गिवन है = 10, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² + ये हो जाएगा b² - 2 into a into b, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 3 का स्क्वायर 9, साथ में x², 7 का स्क्वायर 49, साथ में y² - 3 2 6, 6 7 42, 42xy = 100। अब क्या करेंगे, 9x² + 49y² - 42, साथ में है -1 = 100, तो 9x² + 49y² = ये आ जाएगा +42, वहां जाके -42, आंसर बचेगा 58। ये हमारा आंसर है। क्या आप सभी को पल्ले पड़ा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आया सभी को?